सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश गौतम। आप सभी बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों एवं प्यारे प्यारे बच्चों को 2024 की 77वां स्वतंत्र भारत के इस आज़ादी पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों, पेश है देशभक्ति में सराबोर एक देशभक्त के जीवन की एक छोटी सी झलक 1931 के मार्च की, जब मात्र 23 साल का एक जवान स्वतंत्रता सेनानी, जिसको अंग्रेज पकड़कर जेल ले जाते हैं और उस स्वतंत्रता सेनानी को मौत की सजा सुना देते हैं। कसूर केवल इतना था कि भारत को आज़ाद करवाना था और अंग्रेज भारत को कभी भी आज़ाद हुआ देखना नहीं चाहते थे। जब इस 23 साल के नवयुवक स्वतंत्रता सेनानी को आज़ादी के लिए, अपने देश के लिए लड़ने के जुर्म में अंग्रेज फांसी की सज़ा सुना देते हैं, तो फांसी से कुछ समय पहले इस युवक की मां मिलने के लिए जेल में आती हैं। मार्च 1931 की वो काली रात, उस काली रात का चारों ओर का अंधेरा ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही गहरा काला था और उस रात में रोज की तुलना में बहुत ज़्यादा सन्नाटा था। लेकिन इस सन्नाटे के बीच जेल के भीतर एक कोने में एक माँ और उसके बेटे के बीच वो आखिरी बातचीत हो रही थी, वो आखिरी मुलाकात हो रही थी जो हिंदुस्तान के आने वाले दिनों में एक तूफान लाने वाली थी। और यह बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि एक माँ की ममता और साहस और एक जवान बेटे के बलिदान के संकल्प की कहानी थी। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनका हृदय अपने बेटे के साहस पर गर्व कर रहा था। जेलर ने माँ को अंदर बुलाया और उन्हें उस कोठरी की तरफ लेकर गया जहाँ पर इस नौजवान को रखा गया था। और यह नौजवान अपनी माँ को देख करके अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। इस नौजवान क्रांतिकारी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जिससे उनकी माँ के दिल को थोड़ा सा सुकून मिलता है। माँ को पता है कि बेटे को फांसी होना निश्चित है, और बेटे को भी यह पता है कि माँ को यह पता है कि मुझे फांसी होना निश्चित है। वो युवक मुस्कुराते हुए कहता है, माँ आप आएंगी, मुझे पता था। माँ ने आंसू भरी आंखों से बेटे से कहा, बेटा तुम्हारे बिना यह दुनिया कैसी होगी, मैं तुम्हें हर पल याद करूँगी। वो नवयुवक स्वतंत्रता सेनानी अपनी माँ के पास बैठ जाता है, अपनी माँ के पास बैठ जाते हैं और उनके हाथों को अपने हाथों में थाम लेते हैं और कहते हैं, माँ मुझे पता है कि मेरा निर्णय आपके लिए कितना कठिन है, लेकिन मैंने हमेशा देश के लिए जीने और मरने की कसम खाई है और आज वही दिन है। माँ अपने आंसू को पोंछते हुए कहती हैं, बेटा कोई भी माँ बाप अपने बेटे को अपने सामने खोता हुआ नहीं देखना चाहता, पर तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने जो किया ऐसा बहुत कम लोग ही कर पाते हैं, लेकिन एक माँ का दिल अपने बेटे के बिना कैसे रहेगा। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी यादों को तो जिंदा रख लूँगी, पर क्योंकि एक माँ के लिए उसका बेटा ही सब कुछ है, कैसे मैं इन हाथों से तेरे शरीर को उठाऊँगी, जिन हाथों से मैंने बचपन में तुझे खाना खिलाया था। दोनों कुछ पल के लिए खामोश हो जाते हैं और फिर वो नवयुवक उस खामोशी को चीरते हुए कहता है, हाँ माँ मैं जानता हूँ कि आपके लिए यह बहुत कठिन है, लेकिन याद रखें मेरी मृत्यु बेकार नहीं जाएगी। मैं उन लाखों लोगों के लिए मर रहा हूँ जो स्वतंत्रता की राह देख रहे हैं। मेरा बलिदान एक दिन इस देश को आज़ाद कराएगा और मुझे खोने की फिक्र मत करना माँ, क्योंकि अगर मैं एक भगत सिंह बलिदान दे दूंगा तो इस देश में हजारों भगत सिंह पैदा होंगे, लाखों भगत सिंह पैदा होंगे जिसमें तेरे इस बेटे की छवि होगी। इसलिए माँ मेरा बलिदान बेकार नहीं जाएगा। लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। 23 साल के भगत सिंह को हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाना मंजूर था, पर गुलामी में जीना इन्होंने कभी नहीं कबूल किया। दोस्तों एक बात और, भगत सिंह की फांसी की तारीख 24 मार्च तय की गई थी, लेकिन उससे एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 को ही उन्हें फांसी दे दी गई थी। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि भगत सिंह बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। उनको फांसी की सज़ा सुनाए जाने पर पूरे देश में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के पक्ष में सहानुभूति की लहर चल पड़ी थी।
और पूरे देश में उनकी सजा के खिलाफ विरोध की लहर चल पड़ी थी। इन सब बातों से अंग्रेजी हुकूमत डर गई। अंग्रेज सरकार को लगा कि भगत को तय समय पर फांसी देने पर कहीं विद्रोह का सामना न करना पड़े, इसलिए अंग्रेज सरकार ने तय समय से एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर गुपचुप तरीके से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के फंदे पर लटका दिया। लेकिन भारत माता के ये वीर सपूत इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अमर हो गए। ऐसे कई नाम हैं इतिहास में, राजदेव राजगुरु, मंगल पांडे, राम प्रसाद बिस्मिल, अफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सत्येंद्र नाथ बोस, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। अगर हम इस वीडियो में वीर शहीदों के नाम लेंगे तो कई दिन निकल जाएंगे, लेकिन नाम खत्म नहीं होंगे। आज जिस आबो हवा में हम खुली सांस ले रहे हैं, उसके लिए न जाने कितने आज़ादी के दीवानों ने इस आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते अपनी सांसें छोड़ी हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। ये आज़ादी हमें दान में नहीं मिली है, बल्कि हमारे देश के कई वीरों ने अपना खून देकर इसे आज़ाद करवाया है। आज़ादी हमें विरासत में यूं ही नहीं मिली है, न जाने कितने माओं का दामन सूना हुआ है। आज़ादी के आंदोलन का वो दौर था जब लोगों की मूलभूत जरूरत रोटी कपड़ा मकान नहीं होती थी, बल्कि आज़ाद हिंदुस्तान में सांस लेना हुआ करती थी। चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने आजीवन अंग्रेजों का गुलाम न बनने का प्रण ले रखा था, चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों से लड़ते हुए जब यह लगा कि उनकी गोलियां खत्म होने वाली हैं, तो आखिरी गोली को अपने सर में लगाना स्वीकार किया, लेकिन अंग्रेजों के सामने सरेंडर करना कभी स्वीकार नहीं किया। ये वो दौर था जिसमें लाला लाजपत राय ने कहा था कि भले ही मेरे शरीर पर कितनी ही लाठियों की चोट पड़ जाए, पर एक वक्त वो भी आएगा जब मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। ये वो दौर था जिसमें सुभाष चंद्र बोस जैसे सेनानी थे, जिनका कहना था अगर देश में स्वतंत्रता को जगाना है तो हमें मरना ही होगा, और उन्होंने यह भी कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। यह वह दौर था कि जब रंग दे बसंती चोला गाते गाते राम प्रसाद बिस्मिल जैसे अपने साथियों के साथ मुस्कुराते हुए फांसी पर चढ़ जाया करते थे। चंद्रशेखर आज़ाद भी बलिदान से साबित कर गए कि हम आज़ाद ही हैं और आज़ाद ही रहेंगे और आज़ाद ही मरेंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेजों की बंदूक का अपनी तलवार के साथ बखूबी सामना किया और लड़ते लड़ते अपनी शहादत को स्वीकार किया, ना कि गुलामी को, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने सिखाया है कि अगर हमें राष्ट्र को जिंदा रखना है तो हमारे मन में एक ही इच्छा होनी चाहिए, और वो इच्छा होनी चाहिए बलिदान की। आज़ादी के लिए लड़ी गई लड़ाई का ये वो दौर था जिसमें बच्चे बच्चे के हाथ में आज़ादी के बिगुल हुआ करते थे, और देश पर मर मिटने के लिए हर एक बूढ़े बच्चे और नौजवान तैयार थे। यहाँ तक कि औरतें भी इस दौर में पीछे नहीं थी। देश की आज़ादी में महिलाओं ने भी काफ़ी अहम रोल निभाया था। जहाँ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लिया जाता है, वैसे ही रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू और बेगम हजरत महल को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए याद किया जाता है। समाज के रूढ़िवादी सोच के बीच भी इन महिलाओं ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिख लिया है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पूरे जुनून के साथ कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें।